इसमें आप जो एम्बलम देखेंगे, एम्बलम का मतलब है, इट इज ए सिंबल और मार्क। बाय दैट आपको पता होगा इसमें क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, व्हाट इज दी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड फॉर, उनका फिलोसफी दर्शन तत्व क्या है, ये सब आपको हो जाएगा। तो ये जो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिक थियोसफी मेंबर, जितना भी थियोसफी मेंबर हो इसको थोड़ा पता होना चाहिए, ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मार्क क्या है। तो मैं आपको कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे हूँ, देखिए इसके बारे में। इट इज द एम्ब्लेम ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी। इट इज डिवाइडेड इनटू सिक्स पार्ट्स। वन इज ओम, देन सेकंड इज स्वस्तिक, थर्ड इज टू ट्रायंगल, फोर्थ इज सर्पेंट सांप, फिफ्थ इज अंक, देन आवर मोटो। ये है द एम्ब्लेम ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ सिक्स सिंबल्स ऑफ व्हिच हैव बीन यूज्ड फ्रॉम वेरी एंशिएंट टाइम्स। बहुत पुराने ये जो सिंबल है, पहले ऊपर में ओम लिखा है, देन वो स्वस्तिक, देन दिस ट्रायंगल, देन ये है आंख, देन एक शार्प स्नेक, देन देयर इज मोटो। सो इसका मतलब क्या है, व्हिच हैव बीन फ्रॉम, एंड इट हैज ए वेरी प्रोफाउंड स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट अबाउट द ह्यूमन बीइंग एंड द यूनिवर्स। इट इज ए सिंबल ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, सो एज ए होल ए मार्क। इसका डीपर मीनिंग थोड़ा सुनिए। सिंबल ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी, टू शो एज ए होल ए मार्क, ए साइन और ए वर्ड दैट इंडिकेट्स द ऑकल्ट फिलोसफी। मतलब थियोसोफिकल सोसाइटी में जो बेसिक फिलोसफी है, इसका नाम है ऑकल्ट फिलोसफी, एसोटेरिक फिलोसफी इसका कुछ नाम है, व्हिच द ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स एट द प्रेजेंट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन, एंड इट्स हैड इज एक्सोटरी मीनिंग, बाहर मीनिंग है और अंदर का मीनिंग है। इट एक्सोटरी मीनिंग एंड ऑल्सो इनर मीनिंग। देन वील गो टू द नेक्स्ट। फर्स्ट है, पहले हमारा ओम, ओम को तो पता है आप, ओम का सिग्निफिकेंस क्या है हमारा, पर्टिकुलरली वी आर ऑल हिंदूज इंडियन एंड स्टेइंग इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सो द ओम सरमाउंटिंग द एम्ब्लेम इज द सेक्रेड वर्ड ओम ऑफ हिंदुइज्म इन संस्कृत कैरेक्टर्स। ओम आप एक हॉल में बोल सकेंगे, और इट थ्री सिलेबल, थ्री ए यू एम रिप्रेजेंटिंग ट्रिनिटी। इट इज ऑल्सो क्रिएटिव वर्ड और लोगोस साउंडिंग थ्रू आउट, ऑल्सो सस्टेनिंग द यूनिवर्स। द वाइब्रेशन जो घूर्णन होता है, जो स्पंदन होता है, कभी कभी इसका बारे में बोलते हैं, ये भी ओम उसका सिंबल है, वो उनका साउंड है, ऐसा कुछ बता रहा है। इन द होली बाइबल इट इज मेंशन, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। बाइबल में क्या लिखा है, देयर इज ए वर्ड, दैट वर्ड वाज विद ईश्वर से साथ है, और द वर्ड वाज गॉड।
तो इसका मतलब फर्दर एक्सप्लेनेशन में है, दिस ओम वन सिलेबल वन वर्ड कैन बी प्रोनाउंस इन ए हमिंग साउंड इन वन सिलेबल और थ्री सिलेबल। ओम AUM, सो इन वन ही इज द अल्टीमेट रियलिटी। जब ईश्वर मैनिफेस्टेड हुआ तो दैट इज द होल वन, दैट इज द वन। यू कैन प्रोनाउंस इट वन ओम एंड इट इज द सिंबल ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। वी कैन एज ए हिंदूज वी कैन से, एज ए इंडियन वी कैन से नारायण, ओम नारायण, नारद का नारायण नारायण नारायण। इट इज द कॉजलेस कॉज, नॉन कैन सी, इट इज ओमनीप्रेटेंट ओमनीसियंस ओमनीप्रेजेंस, इट हैज नॉट विजिबल टू आवर सेंसेस, दैट इज द कॉजलेस कॉज, दैट इज द सिंगल ओम। एंड इफ इट इज थ्री सिलेबल इट इज ए ट्रिनिटी, मीन्स फॉर हिंदूज ब्रह्मा विष्णु महेश, फॉर क्रिश्चियन फादर सन एंड होली गोस्ट, एंड इन इज थियोसोफी इट इज नोन एज फर्स्ट लोगोस सेकेंड लोगोस थर्ड लोगोस। हाउ इम्पोर्टेंट इज ओम फॉर अस, कितना मूल्यवान है ओम। ओम हमारे लिए, हमारा अंदर में ओम है, बाहर भी ओम है, एंड इट हैज क्रिएटिव पावर भी हमारे अंदर में है, प्रिजर्वेशन भी है, इसको डिस्ट्रक्शन है, सब कुछ हमारा अंदर में है बाहर में है। तो ओम इतना पावरफुल मंत्र हमारे लिए है। पतंजलि योग सूत्र में आके 43 लिखा है, ओम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मंत्र फॉर ह्यूमन बीइंग, सो दैट इज द ओम। सो फॉर 6 पार्ट्स आई हैव टेकन ओनली 5 4 मिनट्स फॉर ईच, बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट विद इन 30 मिनट्स। सो वी विल गो टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द स्वस्तिक। स्वस्तिक इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ मार्क, स्वस्तिक मार्क इन डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। In Germany, you will find this type of. In India, we have a separate little 90-degree angles. But it has its own uniqueness. ये इनका बहुत deep meaning है इसका अंदर में. So this is another numerous form in which cross is found. It is a fairy cross with the arms of whirling flame revolving clockwise. To represent the tremendous energy of nature, insisting, creating, dissolving the forms through which the evolutionary process takes place. इतना इतना इसका मीनिंग है, डीप मीनिंग, एक्सोटरी मीनिंग। आप तो घर में बाहर में देखेंगे, मंदिर में देखेंगे स्वस्तिक का चिन्ह, ये एक्सोटरी, बट इनर मीनिंग इसका अंदर है। थ्रू आउट द यूनिवर्स दिस एनर्जी रिप्रेजेंटेड थ्रू स्वस्तिक, इट इज मूविंग क्लॉकवाइज। By moving clockwise, you will mark there is this. If you move this way, and you will have a tail like this. So this is the swastika, and it represents the tremendous energy. बहुत deep energy इसका है, and it is creating the solar system, galaxy, universes, and forms. The forms, innumerable forms created. In different parts of the world, universe, galaxy, stars, etc., etc., because of this energy represented through a symbol, swastika. In religion, which recognize three aspects of this deity, three aspects of the solar system or cosmic logos, whatever name we will call it, Brahma, Vishnu, Mahesh, whatever name. The third person of the Trinity is the creator. Brahma in Hinduism, it is the symbolized by its creative power, and Holy Ghost in Christianity, in Theosophical society, it is a third logos. This third logos is also within us. This creative power within us. We are creating as a lawyer, Ganeshji, creating some draft, etc., etc. People are creating different kinds of creativeness. That is the energy of,
and it is symbolized as swastik. It is the creative energy within each human being which helps him or her to move forward in his spiritual journey. So this is that swastik. Then fourth, the serpent. इसका अंदर ये पीछे ये जो सर्पेंट है यहां से आप देखेंगे एक सर्पेंट है. ये सर्पेंट ये जो सांप है सांप उसका टेल को खा जाता है. इट इज ईटिंग और टेकिंग इट इज ए टेल. द सर्पेंट इज इटसेल्फ ए सिंबल ऑफ विजडम. वी हैव नो डाउट दैट स्नेक इज रिप्रेजेंटेड बाय विजडम एंड इन थियोसफी it is known as the wisdom and we are all seekers of the truth and the more wisdom we have then we can realize more and more the truth satya ko khojne mein hamara help karega jo pragyan jitna bhi jitna hamara paas aa jayenge itna we will unfold the satya hamara andar mein. So the Hindus call their wise men nagas. We are all habituated naga sadhus. They are actually they are representing the wisdom amara dharma. Christ addressed his disciples as wise as serpents. The serpent swallowing its tail. The sap unka jo kha jata hai bhojan karta hai jo tail ko represent the circle of the universe. And you see the esoteric meaning, inner meaning, the endlessness of the cycle, process of manifestation. It symbolizes manifestation as well as creation, as well as destruction also. Unless you destroy, suppose you you have a very old building, it is created by your ancestor, and the time changes, you require a new building. So you have to destroy that old building to create a new one. So like that, each and every system in the world, universe, or any galaxy, etc., whatever visible in manifested world, it has its within the time and space. And in that time, आ जाएंगे, फिर उनका destruction हो जाएंगे. That is the meaning of this. सर्पेंट ईटिंग इट्स टेल. जो सांप खा जाता है वो जन्म होता है उनका देहांत होता है हमारा शरीर देता है जैसा ईच ह्यूमन बीइंग विल टू लीव एंड आल्सो गॉन टू द अदर वर्ल्ड. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द सर्पेंट मैनिफेस्टेशन क्रिएशन. सो सांप जो है वन थिंग इट इज रिप्रेजेंटिंग विजडम. विजडम इज विद इन अस एंड ऑल्सो creativeness, creating, destroying, cyclic way, kalp par kalp aata hai, jata hai, uska nahi nikalta hai. Then next is Ankh. Ankh is a very peculiar symbol. It is more than 3000 years old. Actually, it started in Egypt. It represents the resurrection, janma, janma jaisa. स्टोन से प्लांट आ जाता है, प्लांट से एनिमल आ जाता है, एनिमल से ह्यूमन बीइंग आ जाता है, तो ह्यूमन से सुपर ह्यूमन सबका ओपनिंग होता है, जैसा अनफोल्ड होकर बाहर आ जाता है. इसको बोलते हैं क्रिश्चियन में रिसरेक्शन. इसी तरह हमारा जो इनिशिएशन होता है, थर्ड इनिशिएशन से फोर्थ इनिशिएशन जाना, दैट इज ग्रेट रिसरेक्शन. हमारा डेली लाइफ में जितना भी आता है टाइम पर टाइम, इसका भी कोई ना कोई अंत हो जाता है, फिर न्यू क्रिएटिवनेस आ जाता है. इसको बोलते हैं रिसरेक्शन. पर्टिकुलरली इन हिंदूज देयर इज वर्ड नोन एज द्विज, मींस रीबर्थ अगेन. सो व्हाट इज इट्स मीनिंग? द अंक इन द सेंटर ऑफ द टू इंटरलेस ट्राइंगल इज व्हाट इज नोन एज अंक. This comprises a circle surmounting. This is a circle. Kindly see the circle like round surmounting a tau cross, which follows the shape of a T. This is an Egyptian symbol of great antiquity, more than 3,000 years old, and it portrays the resurrection of the spirit out of its
encasement of matter, otherwise expressed as a triumph of life over death, spirit over matter, good over evil. This concept of resurrection is found in all great religion. जो मैं आपको बताया हिंदूज दे आर known as rebirth, resurrection होता है अभी every time there is resurrection going on. And that age, at the age of at that time period of antiquity, the where the no recordings of इतिहास का कोई recording नहीं है, इसी time में Egypt में everything was expressed by a symbol. So the life coming out of matter, spirit coming out of matter. When matter spirit enter the into the matter में जाता है, जब पहले जीवात्मा नीचे जाता है तो इसका मैटर में आ जाता है. मैटर से जब स्टार्ट होता है, जब प्लांट मिनरल से आ जाता है, उसको रिसरेक्शन बोलते हैं. इट इज सिंबलाइज लाइक दैट. सो रिसरेक्शन मींस स्पिरिट आउट ऑफ एनकेसमेंट ऑफ मैटर. सो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस इन आवर लाइफ टू प्रोसीड. ये है इंटरलेस ट्राइंगल, दैट इज आई मिस्ड इन बिटवीन. सो द इंटरलेस ट्राइंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल थियोसोफी मेंबर्स. इट इज नोन एज ए सोलोमन सील. सोलोमन से देयर वाज ए किंग इन इजिप्ट, पर्टिकुलरली जेरुसलम एरिया. दिस इज इट इज सिंबल, इट इज नोन एज ए सोलोमन सील. नाउ इन इजराइल national flag they use this symbol. This is a triangle looked at separately, symbolize three facets of the manifestation which is known as Trinity. Each triangle is have a three sides and it is known as a Trinity. The darker of the two triangle, this is a darker one, which downward pointing means it is coming down. The lighter triangle, the white yellowish triangle, which is upward pointing, symbolize respectfully descent of life of spirit into the matter, involution, and ascent of that life of matter into spirit, evolution. The perpetual opposition between the light and dark forces in nature and in man. So this symbolizes is very important symbol for all theosophical society members. That every time from time immemorial, when human being became a little conscious of their existence, this struggle is going on. Dark and white struggle, you can say, आप बोल सकेंगे देवोज एंड मैटर स्ट्रगल, मैटर एंड स्पिरिट स्ट्रगल. सो डार्क प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन प्लीज डिस्टर्बिंग इट. सो डार्क ट्राइंगल सिंबलाइजेस द आत्मन, जो युवात्मा आ रहे हैं ना नीचे, वो पदार्थ का अंदर में जाता है धीरे धीरे. देन अपवर्ड सिंबलाइजेस दिस स्पिरिट एस्पेक्ट ऑफ अस इज गोइंग अपवर्ड. तो अपवर्ड कब स्टार्ट हुआ, जब वो खनिज में स्टार्ट हुआ, प्लांट आ गया, प्लांट से आ गया एनिमल, एनिमल से मनुष्य. तो दिस स्ट्रगल इज गोइंग ऑन ऑलवेज ऑलवेज. सो इनिशियली वन विल हैव मोर मैटर, पहले पहले पदार्थ में देखेंगे खनिज में मोर ज्यादा मैटर है, पदार्थ ज्यादा है, स्पिरिट कम है. बट ऑलवेज देर आर टू इन ए इट इज नोन एज द स्पिरिट एंड मैटर आर देयर. विदाउट स्पिरिट there is no consciousness. Without spirit matter has no existence. Spirit nahi rahega to matter ka kuch mayna nahi, matter nahi rahega to spirit ka kuch form nahi, kuch nahi hoga. So dono ek sath chal raha hai, but they don't meet together. Neither spirit or matter meet together, they are in the parallel line, aisa chal raha hai.
नेक्स्ट इज सर्पेंट, आपको बता दिया, देन आंख हमारे बता दिया, देन आई विल कंक्लूड दिस आंख. आंख है अगेन, आई एम आंख एट द सेंटर ऑफ द सिक्स पॉइंटेड स्टार ऑफ स्पिरिट मैटर, इज इजिप्शियन क्रॉस और आंख सिंबल लाइक ऑफ लाइफ. द सिक्स पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल एंड द आंख at the center represent the seventh principle of the universe. It is same in human being. It is very important. क्योंकि आप देखिए ये जो ट्रायंगल है, ये जो दोनों दो ट्रायंगल है, इसका अंदर में ये अंक है. तो ये जो सिक्स पॉइंटेड है, आप देखेंगे ना, सिक्स पॉइंटेड स्टार है ये. सिक्स पॉइंटेड में आपको दोबारा दिखा रहे हो, सिक्स पॉइंटेड है ना, 1 2 3 4 5 6, इसका अंदर में अंक है, ये पॉइंटेड अंक है. तो ये जो सिक्स पॉइंटेड स्टार है, इसका अंदर में जो अंक है, इसको बोलते हैं सेवन प्रिंसिपल. तो सेवन प्रिंसिपल इन थियोसोफिकल सोसाइटी, इन थियोसोफिकल लिटरेचर, इन एसोटेरिक प्रिंसिपल, सेवन प्रिंसिपल इज यूनिवर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप बोलते हैं आनंदमय कोश में आत्मा बोलते है, और थियोसोफिकल लिटरेचर में इट इज सेवन प्रिंसिपल. व्हाट इज विद इन यू, विद इन योर हार्ट, इट इज ऑल्सो द सेम इन द यूनिवर्स. इसीलिए बोलते जो ऊपर में है वो भी नीचे है. जहाँ आपका यू आर द सेंटर, यू आर द सेंटर एंड ये बिंदु है आपका सिंधु जो है बाहर. तो सेवन प्रिंसिपल इज दैट, दैट इज द अंक. Think Ankh also represent the idea that life results from the interaction of spirit or consciousness. Upper triangle जो जाता है and matter or substance down. तो Ankh जो होता है ये Egyptian term, Egyptian symbol. It is very important for us TS member. That is seventh principle. It is within us and also universal. And Theosophy center में, Theosophy wording में बोलती है center. Is everywhere, means Ankh is everywhere, but no circumference. Everywhere we will find forms, innumerable forms. Ankh is the seventh principle. Then we'll go to the last one. There is no religion higher than truth. What is that truth? Truth is not a daily life. I will speak the truth, I will have a righteous living. That is in our modern world, we will have to go by righteous living, or we will speak the truth, all these things. But the truth is the highest thing. There is no religion higher than truth. Aisa dharm nahi jo really truth se bada hai. Iska Sanskrit term hai satyat nasti paro dharma. Itna bada hai, particularly anniversary to collected from the door of King Banaras. Well, when wo jab the na Banaras mein, usi time mein isko collect kiya tha. Okay, meeting is going to be end 10 minutes. Before that we will close. So the motto surrounding the emblem, around the motto of Theosophical Society, there is no religion higher than truth. Truth is the quest of every Theosophist. Truth is the quest of every theosophist, every human being. So you will find more theosophists than in Theosophical Society. It was told to us by many senior members. Whatever their faith, every great religion reflects in some measure the light of one eternal spiritual religion. Jitna bhi dharm dekhenge, philosophy dekhenge throughout world, isme kuch na kuch truth, wisdom tha. तो एज ए टी एस मेंबर वी आर ऑल सीकर्स ऑफ द ट्रूथ. जो सत्य है, सत्य जब आपको मिल जाएंगे, जैसा ध्रुव महाराज को सत्य मिल गया बचपन से, बट कितना उनका इनकार्नेशन था पता नहीं आपको. तो जब आपको सत्य मिल जाएंगे तो रीइन्कार्नेशन कर्म खत्म हो जाएगा. सो द मोर wisdom we have, more pragya हमारा अंदर में आ जाएगा, तो आपका truth धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, आप truth को आगे आगे चल जाएंगे. We have to be ऐसा कैसा करेंगे, you will be more loving, your heart center in the form of light and love,
लाइफ रियल हो जाएंगे एंड यू विल मोर लविंग, आपका जो कैसा सत्य आप पता चले जाएंगे, आपका अंदर में ट्रूथ आ जाएंगे, तो क्या कैसा आपको होगा, कैसा हाउ यू विल बी रिफ्लेक्टेड, यू विल बी मोर लविंग नॉट ओनली टू योर चिल्ड्रेन टू पेरेंट्स रिलेटिव टू इवन टू आउटसाइड पीपल, यू आर मोर हेल्पफुल मोर कंपैशनेट एंड यू टू नॉट ओनली टू योर क्लोजनेस टू लाइफ अराउंड यू, प्लांट एनिमल एनवायरमेंट सबके लिए आपका अंदर में प्रेम आ जाएगा जब का आपका अंदर में ट्रूथ आ जाता है. All life including minerals, plants, animals, being, etc. etc. animations, devas and devils also you will appreciate. So this is the last but yes. This the emblem is whole symbolizes absolute God both transcendent and manifest. So our symbol both it is one transcendent and immanent. God transcendent that is in and beyond creation, the sacred word Om overshadows the cycle of manifestation of serpent, energized by divine activity, swastik, and within this field of manifestation link triangles of spirit and matter inside the symbol of immortality, the Ankh. Ye hai transcendent God. God immanent jo manifestation hoya, that is indwelling in all created form. It is within me, within you. So for all TS number emblem symbol reveal truth, only truth, nothing but truth. By study, meditation, selfless service, TS member would know the truth. आपको सत्य कैसा पता होगा? By study, theosophical literature, by meditation and selfless service. Each TS member are seekers of truth. Program. Glavas can win as golden stairs. Kindly stop. By which a learner may climb to the temple of divine wisdom. Own this truth by living. अरे कल आने कल जाएंगे ना मैं. Okay, thank you. तो इसमें कहीं जा रहे नहीं? हाँ हाँ हाँ. Just. Make me host. Yes, yes, immediately. Ah. Okay. And thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद श्री महापात्र जी, आपके आज के व्याख्यान के लिए हम हृदय से आभारी हैं.